हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव बहुरानी और मैं हूं आपकी होस्ट सुनीता। तो आज हम हमारी एक ओल्ड शर्ट को कन्वर्ट करने वाले हैं गर्ल्स टॉप में। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी आइडिया आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। तो सबसे पहले मैंने एक टॉप इस पर इस तरीके से सेट कर लिया है और शर्ट की स्लीव्स थोड़ी सी बड़ी हैं तो मैं इसके लिए टॉप के अकॉर्डिंग मार्क कर लूँगी और लेंथ भी मैं थोड़ी सी शर्ट की कम कर लूँगी। तो उसके लिए भी मैंने टॉप के अकॉर्डिंग शर्ट में इस तरीके से मार्क कर लिया है। अब बिल्कुल स्ट्रेट हम इसे कट कर लेंगे और दोनों स्लीव्स के स्ट्रेट लाइन में हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए, दो कट लगाकर हमने इस शर्ट को इस तरीके से तीन पीसेस में डिवाइड कर लिया है। शर्ट का कॉलर बिल्कुल बेकार हो चुका है तो मैं इसे भी निकाल दूंगी। अगर आपके शर्ट का कॉलर ठीक कंडीशन में है तो आप उसे एज इट इज रहने दीजिए। अब नीचे लेंथ वाले कपड़े से मैं कुछ स्ट्रेट पट्टियां निकाल लूंगी। अगर आपके पास और एक पट्टियां निकल सकें तो आप नेक बनाने के लिए उन्हें निकाल लीजिएगा। तो अब इस शर्ट को हम इस तरीके से टॉप पार्ट को ओपन कर लेंगे और दोनों स्लीव्स में इस तरीके से इलास्टिक लगाकर हम स्लीव्स का डिज़ाइन बना लेंगे। तो स्लीव्स हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब हम हमारी टॉप का नेक बनाएंगे। उसके लिए जो स्ट्रेट पट्टियाँ मैंने कट की थी उन्हें कुछ इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर हो सके तो आप और एक पट्टी कट कीजिएगा। मेरे पास फैब्रिक थोड़ा कम था इसीलिए मैंने स्ट्रेट पट्टी इस तरीके से इस पर अटैच कर दी है। अब मैं इसमें थोड़े थोड़े कट लगाकर इसे कुछ इस तरीके से बैक साइड में फोल्ड करते हुए स्टिच कर लूँगी। तो ये हमारा नेक बनकर रेडी हो चुका है। अंदर की साइड में हमें तुरपाई कर लेनी है। तो नेक और स्लीव रेडी हो चुके हैं। अब फिर से हमें इसे बैक साइड में इस तरीके से सेट कर लेना है और स्टिच कर लेना है। स्लीव्स दोनों हमें स्टिच कर लेनी है और बीच का एरिया हमें ओपन रखना है। ये दोनों हमें स्टिच कर लेनी है। तो स्टिच होने के बाद देखिए, ये एरिया हमारा ओपन है और बाकी का हमारा एरिया स्टिच हो चुका है। अब शर्ट का बचा हुआ फैब्रिक हम कुछ इस तरीके से इस पर अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं तीन तीन फ्रिल्स डालकर इसे ऊपर वाले पार्ट से अटैच कर दूंगी। दोनों साइड में हमें तीन तीन फ्रिल्स इस पर डाल लेनी है। तो मैं आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, फ्रंट के ऊपर हमें फ्रंट पार्ट रखना है, शर्ट के बटन ओपन कर लेने हैं और फिर इस तरीके से तीन फ्रिल नीचे वाले पार्ट में हमें रख लेनी है और ऊपर वाले पार्ट को इस तरीके से रखते हुए हमें स्टिच कर लेना है। बाकी के पूरे पार्ट को हमें स्ट्रेट इस पर स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये तीन तीन फ्रिल्स मैंने दोनों साइड में डाल दी हैं और बाकी के पार्ट को बिल्कुल स्ट्रेट हमने इससे अटैच कर दिया है। तो बहुत ही ईजी ये हमारा गर्ल्स टॉप बनकर रेडी हो चुका है। नीचे से भी हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। बिल्कुल स्ट्रेट हमें इसे स्टिच कर लेना है। और ये देखिए, बैक में मैंने ऊपर के साइड में दो दो फ्रिल्स डाली हैं ऊपर के पार्ट में, ताकि नीचे वाले पार्ट का फैब्रिक थोड़ा एक्स्ट्रा बच सके। तो बैक हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गर्ल्स टॉप हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आई होप आपको ये आइडिया बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरीके के और भी रीयूज़ आइडियाज़ के मैंने वीडियो पहले भी अपलोड किए हैं, आप चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। और अब कुछ ही टाइम में मैं ओल्ड साड़ी रीयूज आइडिया का वीडियो लेकर आने वाली हूँ, उसे भी आप जरूर चेक करिएगा। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।